ऑल आप लोग जानना चाहेंगे इनके बारे में। ये आज सुबह बंजारा हिल में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें गुंटूर के रहने वाले चेप्तानु तेलुगुलो कूडा चेप्तानु गुंटूर के रहने वाले डॉक्टर कोडेला शिव प्रसाद राव जो सीनियर लीडर सीनियर पॉलिटिशियन थे जिनका एज लगभग 72 इयर्स था और वो बहुत बार लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स रहे हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी थे और फॉर्मर स्पीकर भी रहे। बसव तारका हॉस्पिटल में उनको जब लाया गया डॉक्टरों ने जब उनको एग्जामिन करने के बाद उनको डेड डिक्लेयर किया और उसके बाद हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से इमीडिएटली जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया, जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे, तो उसी के तहत सबसे पहले हमारे डीसीपी वेस्ट जोन जॉइंट सीपी एआर श्रीनिवास इमीडिएटली पहुँचे हॉस्पिटल के पास और डिपार्टमेंट के तरफ से एसीपी गोशामहल नरेंद्र रेड्डी ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड कॉर्डनिंग ऑफ दी सीन इसके लिए रोड नंबर 7 ईरानियन काउंसुलेट के बगल में इनका रेसिडेंस है वहाँ पे हमारे एसीपी गोशामहल को तुरंत वहाँ भेजा गया और उसी के साथ एसीपी आसिफ नगर उनको बसव तारका हॉस्पिटल भेजा गया जहाँ पे कुछ क्राउड फॉर्मेशन था तो बाहर क्राउड कंट्रोल और इसके लिए और हमारे डीसीपी भी तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ डॉक्टर लोग से बात किए। इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग हर प्रिकॉशन लेंगे एंड बिल्कुल ऑन साइंटिफिक स्केल साइंटिफिक तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो किया जाएगा। अभी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में बॉडी को शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम बसव तारका हॉस्पिटल और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा और एज़ पर द प्रोसीजर टीम ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा। फिर उसमें एंटायर प्रोसीडिंग्स विल बी वीडियो रिकॉर्डेड और हमारे एसीपी बंजारा हिल के एस राव उनको ये केस का इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। तो ये पूरा केस इट विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय केएस राव और उस उनके असिस्टेंस के लिए हमारे क्लूज टीम टेक्निकल टीम्स स्पेशलाइज्ड टीम ये सब उनको असिस्ट करेगी और जिस तरीके से जैसा एविडेंस आगे आएगा एविडेंस के हिसाब से आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको समय समय पर उसकी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।